मीनिंग ऑफ साइलेंस, इसको हम एक छोटी सी स्टोरी से समझने का प्रयास करेंगे। एक बार की बात है, चार सन्यासी एक यात्रा पे निकलते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि हम चारों लोग कुछ समय एकांत में व्यतीत करेंगे और उस शांति का अनुभव करेंगे जो हमें बहुत समय से नहीं मिल पा रही है। तो ढूंढते वो ऐसी जगह पे पहुंचते हैं जहां पर कोई नहीं होता है, सिर्फ चारों तरफ पेड़ पौधे और बहुत ही हरा भरा वातावरण होता है। और वो वहां पहुंचकर ध्यान में बैठ जाते हैं। एक दिन होता है, दो दिन होता है, चारों लोग ये निर्णय करते हैं कि हम लोगों में कोई भी साइलेंस को ब्रेक नहीं करेगा और हम लोग इस ध्यान साधना को, इस मेडिटेटिव स्टेट को या इस साइलेंस की जर्नी को हम लोग 2 हफ्ते तक कंटिन्यू रखेंगे। धीरे धीरे करके 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन निकल जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, वहाँ पर एक पक्षी कहीं से आ जाता है और वो वहाँ पर, जैसा कि पक्षियों की आदत होती है, चहचहाना, उछल कूद करना, एक डाल से दूसरे डाल जाना, घूमना फिरना, और इसी तरीके से वो पक्षी अपनी आदत की तरह वो वहाँ पर चहचहा रहे थे। तो इससे उन सन्यासियों को जो उनकी चहचहाट थी पक्षियों की, उससे थोड़ा सा उनका ध्यान भंग होना शुरू हो रहा था। उसमें से एक सन्यासी गुस्से में अपनी आँख खोल देता है और चिल्लाने लगता है उस पक्षी के ऊपर। उस सन्यासी की आवाज़ को सुनकर दूसरा सन्यासी भी अपनी आँख खोल देता है और वो कहता है कि हम लोगों ने ये निर्णय किया था कि हम लोग बोलेंगे नहीं, हम लोग अपनी चुप्पी को तोड़ेंगे नहीं, हमें शांत रहना था। इन दोनों सन्यासियों की बात सुन करके तीसरा सन्यासी इरिटेट हो जाता है और बोलने लगता है कि ये तुम लोगों ने क्या किया, ये तुम लोग आपस में क्यों बात करने लगे, तुम लोगों ने साइलेंस को क्यों ब्रेक कर दिया। अब जब ये तीनों लोग बोल चुके थे तो चौथे सन्यासी को लगा कि अब तो सब लोग बोल चुके हैं, सब ने अपनी साइलेंस को ब्रेक कर दिया है। तब वो अपनी आँख खोलता है और हंसते हुए बोलता है कि देखो, मैं ऐसा हूँ कि जो बोला नहीं, जिसने रिएक्ट नहीं किया, तुम सब ने बोला लेकिन मैंने नहीं बोला। अब यहाँ पर जो समझने वाली बात है, जो हम इन चारों सन्यासियों से समझ सकते हैं, वो क्या है, हम बेसिकली वहाँ पर गए थे साइलेंस को अपने अंदर आत्मसार करने के लिए, अपने अंदर उतारने के लिए, उस साइलेंस की खोज में, उस इनर पीस की खोज में गए थे। लेकिन हुआ क्या, यहाँ पर हम सब अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं किसी भी सिचुएशन में बहुत ही डिफरेंट रीजंस से सिचुएशंस को इंटरप्रेट करते हैं। हमारा जो परसेप्शन है, हमारा जो परसीवेंस है, हम जो हमारा जो इंटेंशन होता है, हमारा जो पर्पस होता है, वो एक ही कंडीशन में, एक ही सिचुएशन में हर एक व्यक्ति अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है। हम सब कहीं ना कहीं अपनी जो इनर जर्नी जो हमारी है सेल्फ को लेकर के, हम जो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, सेल्फ रिफ्लेक्शन कर रहे हैं, उसमें हमारे कुछ हर्डल्स होते हैं। जैसे हम बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, हम बहुत जल्दी जजमेंट करने लगते हैं, हम बहुत जल्दी एंगर में आ जाते हैं, हम बहुत जल्दी प्राइड हमें फील होने लगता है। यहाँ पर कैसे क्या हुआ कि सबसे पहला जो हमारा हुआ, जो सबसे पहला सन्यासी था, वो डिस्ट्रैक्ट हो गया उसकी आवाज़ से। उसके डिस्ट्रैक्ट होने की वजह से उसने क्या किया, गुस्सा किया। तो डिस्ट्रैक्शन आया और एंगर आया, इन दोनों पॉइंट से जो दूसरा जो सन्यासी था उसके अंदर जजमेंटल परसीवेंस आ गया, उसने जजमेंट किया और कंक्लूजन तक पहुंच गया सीधे कि ये दोनों ने मेरे ऊपर इंटरप्रेट किया या मेरी साधना को भंग कर दिया। और जो चौथा व्यक्ति था वो प्राइड में था, वो अपने सेल्फ स्टेटमेंट में था कि देखो, मैंने अपना साइलेंस ब्रेक नहीं किया, लेकिन कहीं ना कहीं उसने भी अपना साइलेंस ब्रेक कर दिया था।
चारों ने ही सेम कंडीशन में अलग अलग तरीके से रिएक्ट किया। पहला जो सन्यासी था वो डिस्ट्रैक्ट हुआ, उसने अपने जो प्राइमरी फोकस था कि हमें साइलेंट रहना है, बोलना नहीं है, उसको इग्नोर करके उसने फोकस करना किस पे शुरू कर दिया, उस पक्षी की आवाज़ पे। तो यहाँ पर पहला जो सन्यासी है वो ये मैसेज देता है कि आपको अपने प्राइमरी गोल से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, आपका जो प्राइमरी गोल है उसी पर आपका फोकस होना चाहिए, तभी आप पर्पसफुली अपने गोल को अचीव कर पाएंगे, इंस्टेंट रिएक्शन नहीं होना चाहिए। दूसरा जो सन्यासी है उसने जो रिएक्ट किया वो बेसिकली जो उसका सेंटेंस था कि हमें शांत रहना था, हमें बोलना नहीं था, मतलब वो वहाँ पर वरीक था, वो चिंता कर रहा था बाकी सबकी भी कि उसकी वजह से या उस एक व्यक्ति उस एक सन्यासी ने जो पहले बोला था उसकी वजह से हम सब का साइलेंस ब्रेक हो गया। यहाँ पर क्या हुआ, उस व्यक्ति उस दूसरे सन्यासी ने जज कर लिया कि बिना किसी कारण के या बिना किसी गलती के उसको लगा कि ये सामने वाले की गलती है, और कहीं ना कहीं उसने अपनी गलती को इग्नोर कर दिया कि वो खुद भी वही कर रहा है जो दूसरे ने किया है। मतलब हम कभी कभी अनकॉन्शियसली किसी के भले के लिए खुद भी वही गलती कर देते हैं जो हम दूसरे को मना करते हैं। हम खुद कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज़ करने लगते हैं दूसरे की गलती को, पर हम खुद क्या कर रहे हैं, हम उस पर रिफ्लेक्शन नहीं करते हैं। ये हमें दूसरा सन्यासी यहाँ पर मैसेज देता है। तीसरा जो सन्यासी था जिसने गुस्सा किया कि तुम दोनों के बात करने की वजह से, तुम दोनों के आर्ग्यूमेंट करने की वजह से मेरा साइलेंट बस्ट हो गया, मेरा साइलेंस टूट गया, मतलब मैं तुम्हारी वजह से अपनी जर्नी को कंटिन्यू नहीं कर पाया। यहाँ पर हमने गुस्से में आकर के बिना ये सोचे बिना ये समझे कि क्या परिस्थिति थी उसको इग्नोर कर दिया, और हम बिना कुछ समझे दूसरे पर ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, और इस वजह से हम अपने पूरे दैनिक दिनचर्या के या उस पर्टिकुलर समय के जो हमारे पॉजिटिव एफर्ट्स हो सकते थे हम उसको इग्नोर कर देते हैं, उसको हम पूरा तबाह कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। तो तीसरा जो सन्यासी था वो हमें ये मैसेज देता है। चौथा जो सन्यासी था जो कि अपने प्राइड में था, अपने सेल्फ स्टेटमेंट में था कि देखो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, वो अपने आप को दूसरों पे सुपीरियर दिखा रहा है और बाकी चीज़ों को इग्नोर करके उसका सारा का सारा फोकस अपने ऊपर था, उसने बाकी सबको इग्नोर कर दिया, जबकि वो खुद भी उसने वही गलती करी जो चारों लोगों ने करी थी, उसने खुद भी अपना गोल अचीव नहीं किया। मतलब हमें अपने प्राइड में नहीं रहना है, अपने सेल्फ स्टेटमेंट में नहीं रहना है। ईगो और आई में स्टेटमेंट में अंतर है। अगर हम ईगो को पॉजिटिव वे में यूज़ करेंगे तो हम अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे। तो हमें हर एक कंडीशन में, हर एक सिचुएशन में अगर हमें सक्सेसफुल होना है तो हमें अपने अंदर शांति को लाना पड़ेगा, साइलेंस को लाना पड़ेगा, चुप रहना पड़ेगा। अगर हम किसी के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो हम इंटेंशनली उस चीज़ को जताने की कोशिश करते हैं कि हमने ये काम अच्छा किया है, हमने ये काम सही किया है, हम उसके अगेंस्ट में रिवॉर्ड एक्सपेक्ट करते हैं, रिकॉग्निशन एक्सपेक्ट करते हैं, और इसी वजह से हम अपने अंदर नेगेटिव कॉग्निशंस बिल्डअप करना शुरू कर देते हैं, एक डिसअपॉइंटमेंट वाली फीलिंग डेवलप करना शुरू कर देते हैं जो हमारे मेंटल स्टेट को और ख़राब करती है। हमें विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, विदाउट एनी रिकॉग्निशन, हमें अच्छे काम को कंटिन्यू रखना है। अगर हम वाकई में साइलेंस को फील करना चाहते हैं, रियल मीनिंग ऑफ साइलेंस समझना चाहते हैं, तो हमें पहले अपनी लिसनिंग हैबिट को अच्छा करना पड़ेगा, अपने इम्पल्सिव रिएक्शन को कंट्रोल करना पड़ेगा, डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल करना पड़ेगा। हमें जजमेंटल नहीं होना है, हमें एंगर नहीं लाना है अपना, हमें अपने प्राइड में नहीं लाना है अपने आप को, हमें वो प्राइड वाली फीलिंग नहीं रखनी, हमें अपने अंदर कंपैशन डेवलप करना है, हमें अपने अंदर डीप लिसनिंग डेवलप करनी है। अगर हम ये चीज़ें अपने अंदर डेवलप करेंगे तो हम रियल मीनिंग ऑफ साइलेंस समझ पाएंगे। तो
आशा करते हैं कि ये छोटी सी स्टोरी के बेसिस पे जो आपको चीज़ समझाने का प्रयास किया गया है, आप उसे समझेंगे और अपनी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। थैंक यू।